अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको बता रहे हैं होम ब्रीड किस तरह होती है और घर में किस तरह बच्चे निकलवाए जाते हैं काले तितर के अक्सर करके। तो मैंने एक मादी क्रॉस करवाई है और वो अंडों पे नहीं बैठ रही थी खुद, तो मैंने मुर्गी के नीचे जाके अंडे रखे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 8 अंडों से 5 बच्चे अभी निकल आए हैं जो मैं आपको दिखाता हूँ। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और बिल्कुल ठीक ठाक और बड़े खूबसूरत और सेहतमंद बच्चे निकले हैं। और जब मादी अपनी काली मादी अंडों पे नहीं बैठती तो फिर वो उनको किसी मुर्गी के नीचे वो अंडे रखने चाहिए और बच्चे इस तरह निकल आते हैं कि माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो आपसे शेयर करते हैं और दिखाते हैं आप भाइयों को। माशाल्लाह माशाल्लाह, 8 अंडे थे, 8 से 5 बच्चे निकले हैं। और एक बात का ख्याल करना होगा आपको कि जब खुद काली मादी अंडों पे नहीं बैठती तो फिर वो जो मुर्गी है ना, थोड़ी हल्के वेट में होनी चाहिए जो अंडों पे बैठे, और उसके अपने अंडे जो है ना तकरीबन 3 से 4, 4 से 5 तक दे सकते हैं उसको अपने अंडे। नहीं तो फिर वो अंडे ज़्यादा हो जाते हैं ना, वो अंडे होते हैं छोटे काले तितर के, तो फिर वो टूट जाते हैं और ज़ाया हो जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी तजुर्बे किए थे ये बच्चे निकलवाने के लिए। ये फर्स्ट सीज़न 2022 का जो है ना ये इफ्तिताह हुआ है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं। और मैंने बिठाई हुई थी 8 अंडों पे, 3 बाकी हैं, हो सकता है इनमें से बच्चे निकल आए। फिलहाल इनको रखते हैं इसके नीचे, ये थोड़ी देर के बाद ये बच्चे हम सारे यहाँ से उठा लेंगे और किसी पिंजरे में बंद करेंगे और फिर इनकी हम पालना खुद शुरू करेंगे। तो ये बच्चे बड़े अच्छे बनते हैं और बेडर बनते हैं, जैसे चाहो वो बन सकते हैं। आप इनको बाहर घुमा सकते हो मुर्गों की तरह और बेडर इस तरह होते हैं बच्चे, क्योंकि वो घुल मिल जाते हैं इंसान से।